My dear student, welcome to Balabala's world. Today we will be discuss about class Avis. Avis class में हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? Birds के बारे में पढ़ेंगे. Class Avis contain all kinds of birds. Now first of all, we have to know about some basic information about class Avis. That's mean first character I want to discuss, I love to discuss about the first character of bird is birds are beautiful among all the animals. The first statement is birds are beautiful. Birds are beautiful among all animal. ये पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा. दूसरा बात, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बर्ड्स आर कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. बर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट? बर्ड्स आर कॉल्ड ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स. Now you have to know about what is the actual meaning of glorified reptiles. बच्चों इसके पहले हमने क्या पढ़ा? क्लास एम्फीबिया पढ़ा, रेप्टिलिया पढ़ा, तो फिशेस पढ़ा. ठीक है, तो आपने सुना होगा, मैंने डिस्कस करा कि जो फिश है, फिश के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है? डिप्नोई. ठीक है, तो डिप्नोई को बोला जाता है लांग फिश. लांग फिश से क्या ओरिजिन हुआ? एम्फीबिया. और एज्यूम किया जाता है कि एम्फीबिया से ओरिजिन हुआ रेप्टिलिया. और साइंटिस्ट लोग ये एज्यूम करा, और इसका थोड़ा बहुत प्रूफ भी है, कि रेप्टाइल्स जो है रेप्टिलिया से क्या हुआ? बर्ड्स का ओरिजिन हुआ. इसलिए बर्ड्स को क्या बोला गया? बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, राइट. अब देखिए बर्ड्स का कुछ कॉमन सा फीचर है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बर्ड्स का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ. अब देखिए ये कौन सा बर्ड, इसको पहचानने का कोशिश कीजिए, राइट. देखिए बच्चों, ये एक पार्टिकुलर बर्ड है जो इंडिया में सिर्फ कहाँ पर? एक पार्टिकुलर जगह पे, कुछ ही पार्टिकुलर जगह पे ही पाए जाते हैं. ठीक, आप इसका शेप देख के तुरंत बता देंगे कि एक्चुअली ये कौन सा बर्ड है. ठीक है, तो देखिए इसका नाम एक बार देख के बताने का कोशिश कीजिए बच्चों. राइट, कुछ इस तरह का. इसका माथे पे ऐसा टीका लगा देता हूँ, ऐसा थोड़ा काला काला रहता है, और यहाँ पर इसका आंखें बना देता हूँ. राइट, तो ये जो बर्ड है ये पार्टिकुलर इंडिया का कुछ ही जगह पे ही क्या होता है, ये पाए जाते हैं. राइट, हाँ. देखिए तो बच्चों, अभी आपको पहचानने में कोई तकलीफ आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए. तो ये जो बर्ड्स है, ये बर्ड का नाम क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. क्या नाम है बच्चों? ये जो पर्टिकुलर बर्ड, इसका नाम क्या है? ये देखिए इसका फेदर्स है, यहाँ पर मैं कुछ फेदर्स बना दे रहा हूँ. ठीक है, चलो इसका जो आँख है नीला नहीं करते, ये ब्लैक से ही बना देते तो अच्छा लगेगा. ठीक है, राइट. ये तो इसका, ये बर्ड का नाम है, पर्टिकुलर एक बर्ड, इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. बस्टर्ड BUSTARD, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक, और ये जो वर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पाए जाते हैं कहाँ पर? राजस्थान में पाए जाते हैं. ठीक है, तो और ये बर्ड क्या है? गिना चुना कुछ कॉपी ही बचा है ये बर्ड का. तो ये बर्ड को गिना जाता है किसमें? दे आर एक्चुअली क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड. क्रिटिकली एंडेंजर्ड,
एंडेंजर बर्ड, ठीक है, मतलब ये क्या है, बहुत खतरे में है अभी, और कुछ ही बचा कुचा बना बना बिना चुना कॉपी बचा हुआ है। मान लो कि 100-200 कॉपी बचा हुआ है, और अगर ये 100-200 कॉपी मर गया तो दुनिया से इसका अस्तित्व पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। और ये बर्ड से हम कुछ फीचर्स जानेंगे बाकी बर्ड्स का, ठीक है। देखिए इसका बॉडी जो है, बॉडी ऑफ बर्ड्स, एनी काइंड ऑफ बर्ड, बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड बाई फेदर, बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड बाई फेदर, कैरेक्टर नंबर वन, ठीक है। दूसरा बात, फोर लेग आर मॉडिफाई इंटू विंग। देखिए यहां पर इसका विंग ऐसे फोल्ड करके बैठा हुआ है, पर विंग है, आप जानते हैं कि बर्ड्स का दो विंग होता है, ठीक है। तो ये जो विंग है ये एक्चुअली क्या है, फोर लिम्ब। आप ये भी जानते हैं कि बर्ड्स आर कम्स अंडर टेट्रापोडा, इसका दो पैर रहता है और दो हाथ रहता है। एक्चुअली इसका जो हैंड है, सामने का जो पैर है, इसको सामने का जो लिम्ब है, इसको बोलते फोर लिम्ब, और ये फोर लिम्ब इज मॉडिफाई इंटू विंग, फोर लिम्ब आर मॉडिफाई इंटू व्हाट, विंग, कैरेक्टर नंबर टू। एंड हेड बियर बिक, हेड ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिक, बी ई ए के, बिक, एंड इट इज हेड, हेड राइट। तो यहां पर उनको बोला गया हेड बियर बिक एंड बिक हैव नो टीथ, नो टीथ, टीथ, ये बर्ड्स का पहचान है, ये खासियत है, ठीक है। और यहां पर ये जो लेग दिख रहा है, लेग में आपको क्या मिलेगा, स्केल, एस सी ए एल ई, स्केल। जबकि स्केल कहां पर मिलता है, स्केल मिलता है फिश में, स्केल मिलता है कहां पर, रेप्टाइल्स में, पर इसका जो बॉडी है, बर्ड्स का जो बॉडी है, इसको कभी भी किधर भी आपको स्केल नहीं दिखेगा, सिर्फ कहां पर स्केल दिखेगा, लेग में, यहां पर क्या दिखेगा आपको, स्केल दिखेगा, ठीक। तो ये कैरेक्टर आप पूरी तरह से बिल्कुल मेहनत से याद रखना। अब देखिए ये लोग क्या होता है, बर्ड्स आर होमियोथर्मिक, मीन दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। और वार्म ब्लडेड एनिमल का और एक नाम है जिसको बोला जाता है होमियोथर्मिक, क्या बोला जाता है बच्चों, एच ओ एम ओ आई ओ टी एच ई आर एम आई सी, होमियोथर्मिक। और होमियोथर्मिक एनिमल को और एक नाम से जाना जाता है, मतलब होमियोथर्मिक भी जो है वार्म ब्लडेड एनिमल भी वही है, ठीक है। और इसको और एक नाम से पुकारा जाता है, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एनिमल राइट। तो ये क्या कर सकता है, दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये जैसे कि इसको अगर बर्फीला जगह पे मतलब कुछ ठंडा जगह पे धकेल दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, तो इसका बॉडी ठंडा नहीं हो जाएगा, इसका बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करेगा, इसलिए इसको क्या बोला गया, वार्म ब्लडेड एनिमल। बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आया, बॉडी ऑफ बर्ड बियर ओनली वन ग्लैंड एंड देयर इज नो स्किन ग्लैंड, देयर इज नो स्किन स्किन ग्लैंड एंड बॉडी बियर ओनली वन ग्लैंड एंड दिस ग्लैंड ऑफ बर्ड इज कॉल्ड यूरोपाइजियल ग्लैंड। क्या बोलेंगे ग्लैंड को बच्चों, ये ग्लैंड को बोलेंगे यूरोपाइजियल, पाइजियल ग्लैंड। एक मैंने अभी अभी बताया, ये पूरा बर्ड्स का बॉडी में सिर्फ एक ग्लैंड रहेगा और वो ग्लैंड का नाम क्या है, यूरोपाइजियल ग्लैंड। और यूरोपाइजियल ग्लैंड को और एक नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं प्रिन ग्लैंड, प्रिन ग्लैंड राइट। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार लगा दिया, ठीक है। अब ये ग्लैंड का पोजिशन देखा था आपको, ठीक है। तो मानिए कि ये एक बर्ड है, मैं जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाने का कोशिश करूंगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये एक बर्ड है, ठीक, हाँ ये एक बर्ड है, गुड, ये एक बर्ड है, ठीक। और इसका बॉडी अपने ऊपर का बॉडी से ऊपर का फेदर अपने निकल दिया, पूरी तरह से इसका फेदर निकल दिया। तो आपको ये जगह पे, ये जगह पे एकदम पीछे यहाँ पर एक ऐसा मतलब प्रोजेक्शन जैसा दिखेगा, तो एक्चुअली यही वो ग्लैंड है जिसको क्या बोला गया, इसको बोला गया
यूरोपाइजियल ग्लैंड या तो इसको और एक नाम से जाना जाएगा, इसको बोलेंगे प्रीन ग्लैंड। अब देखिए ये ग्लैंड का खासियत क्या है, क्या होता है एक ग्लैंड से। आपने देखा होगा कभी भी अगर जबकि ऐसे एक कोई बार्ड को अगर आपने इसके ऊपर अगर आपने नज़र डाला, ठीक है, बार्ड के ऊपर, तो एक्चुअली क्या होता है, बर्ड जब रेस्ट करता है तब देखना ये क्या करता है, इसका बॉडी को क्या करता है, ये क्या करता है, मतलब जब ये रेस्टिंग कंडीशन में है, मानिए कि ये पानी है, ठीक, और पानी में ये बार्ड है, ठीक। तो अभी देखिए ये रेस्ट कर रहा है और रेस्टिंग कंडीशन में ये क्या करता है, इसका बॉडी को ड्रेसिंग करता है, ठीक है, इसका बॉडी को ड्रेसिंग करता है। तो कभी कभी ड्रेसिंग करते करते ऐसे ऐसे खुजाता है, चारों तरफ से, चारों दिशा से खुजाता है। तो इस समय खुजाते खुजाते क्या करता है ये, कभी कभी इसका जो चोच बीक, ये जो बीक है, ये जो बीक, ये खुजाते खुजाते क्या करता है, ये पीछे की तरफ यहाँ पर लेके आता है। और यहाँ पर अभी अभी आपको मैं उसका पोजीशन देखा, ये कौन सा ग्लैंड है, प्रिन ग्लैंड। एक्चुअली ये ग्लैंड को क्या करता है, बार्ड उसका बीक से ऐसे प्रेस करता है। प्रेस करने से क्या होता है, वहाँ से एक ऑयली सेक्रेशन निकलता है, और वो ऑयली सेक्रेशन से क्या करता है, ये इसका बॉडी को, इसका फेदर को क्या करता है, ड्रेसिंग करता है, क्लियर करता है। तो इसका बॉडी क्या रहता है, पैरासाइट फ्री रहता है, बात समझ में आया। और इसका बॉडी क्या होता है, और चमकीला दिखता है। इसलिए तो पहला स्टेटमेंट पे मैंने बोला बर्ड्स आर ब्यूटीफुल अमंग ऑल एनिमल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत एनिमल में से बर्ड क्या है, एकदम एक नंबर में रहता है, ठीक। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, पर दुख की बात ये है कि पैरोट जो है, पैरोट एंड ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एंड पैरोट, पैरोट हैव नो ग्लैंड, हैव नो ग्लैंड। यहां पर कुछ बार्ड था, कुछ बार्ड में सिर्फ एक ग्लैंड था, पर पैरोट एंड ऑस्ट्रिच में कोई भी ग्लैंड नहीं है। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करेगा, अब याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट और एक खास बात, ये काफी बार नीट में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया। और देखिए यहां पर एलिमेंट्री कैनल ऑफ बार्ड बियर एडिशनल चैम्बर, एलिमेंट्री कैनल बियर एडिशनल चैम्बर, एडिशनल चैम्बर, ठीक। अब ये एडिशनल चैम्बर क्या है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा, तो ये आपको बेटर क्या रहेगा बताइए, ये अच्छे से आपको याद रहेगा, ठीक। अब देखिए ये कौन सा वर्ड है बच्चों, बताइए, देख के बता सकते हैं, ठीक। ये डक है, ठीक है, जस्ट इसका शेप देख के बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मानिए कि यहाँ से इसका क्या है, ये चोच है, तो यहाँ से इसका एलिमेंट्री कैनल जाएगा, और एलिमेंट्री कैनल यहाँ जाके क्या हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं दूसरा कलर से बनाता हूँ इस तरह से, ठीक। तो ये जगह पे फूड आके क्या होता है, टेम्पोरारीली स्टोर होता है, तो ये जगह को बोलेंगे क्रॉप। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ये जगह को बोलेंगे क्रॉप, ठीक है। अब क्रॉप के बाद यहाँ पर टेम्पोरेरीली फूड स्टोरेज होता है, क्रॉप के बाद ये एलिमेंट्री कैनल चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। और अंदर आके यहाँ पर एक मतलब मस्कुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक, यहाँ पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर तैयार होता है, जहाँ पे क्या होता है, ये जो छोटा छोटा फूड इसने कंज्यूम किया वो फूड यहाँ पर आके क्रैश होता है, ठीक है। और फिर से फर्दर ये एलिमेंट्री कैनल आके कहाँ पर ओपन होता है, ये ओपन होता है आपका एनस में, ये हो गया एनस, एनस, ठीक। पर ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाया, यहाँ पर, ठीक, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे गिजार्ड, जी आई जेड जेड ए आर डी, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि बर्ड्स बियर एडिशनल चेम्बर ऑन इट्स डाइजेस्टिव ट्रैक। तो एडिशनल चैम्बर में क्या क्या बियर करता है, नंबर वन, एक नंबर में तो ये क्रॉप, क्रॉप रहेगा जहाँ पर टेम्परेली फूड स्टोर होगा, और दूसरा ये जो टेम्परेली स्टोरेज फूड ये माइग्रेट करके यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल से अल्टीमेटली कहाँ पर, यहाँ पर आएगा। तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर क्या करता है, फूड को क्रैश कर देता है, ठीक है, और बाद में ये डाइजेस्ट हो जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, गिजार्ड। और साथ में साथ और एक एमसीक्यू आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्रॉप एंड गिजार्ड, इट इज ऑल्सो फाउंड इन इंसेक्ट, क्रॉप
क्रॉप एंड गिजार्ड जो है ये और भी कहाँ पर पाए जाते बताइए, ये इंसेक्ट में भी पाए जाते हैं। बर्ड्स बी आर टिपिकल क्लोएका, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया कि क्लोएका क्या है। क्लोएका एलिमेंट्री कैनल का एक ऐसा चेंबर, ठीक है, मानिए कि ये क्लोएका है, ठीक है, ये क्लोएका, ठीक, तो ये क्लोएका एक ऐसा चेंबर है जहाँ पर तीन कैनाल आके ओपन होता है, ठीक, तीन कैनाल इस तरह से, तीन ट्यूब ओपन होता है, और ये तीन ट्यूब में से कौन कौन है ये भी आपको पता होगा। जैसे कि पहला वाला जो है ये एलिमेंट्री कैनल आके कहाँ पर, ये चेंबर में, यहाँ पर इसको क्लोएका बोला गया, ये चेंबर में ओपन हुआ। ये जो चैनल है इसको बोला गया कौन सा, रिप्रोडक्टिव डक्ट, राइट। और एक चेंबर यहाँ पर और एक चैनल बच गया, इसको बोलेंगे यूरिनरी डक्ट, ठीक है, ये किडनी से आता है। तो रिप्रोडक्टिव डक्ट यहाँ पर आके क्या करेगा, स्पर्म या ओवम इजेक्ट करेगा, और यूरिनरी डक्ट यहाँ पर क्या करेगा, यूरिन इजेक्ट करेगा। तो ये तीनों भी प्रोडक्ट, एलिमेंट्री कैनल का, यूरिनरी डक्ट का एंड रिप्रोडक्टिव डक्ट का, तीनों भी जो प्रोडक्ट है, तीन डक्ट का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर, कॉमन चेंबर कहाँ पर ओपन होगा, क्लोएका में, और क्लोएका से ये बॉडी के बाहर क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना बच्चों, तो इसलिए बोला गया बर्ड हैव टिपिकल क्लोएका। अब देखिए दूसरा बात, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑर्गन बनाता हूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो ये इसका शेप देख के आप बता सकते कि इट इज़ द शेप ऑफ लीवर, ह्यूमन लीवर, ठीक है, पर हम ह्यूमन नहीं पढ़ रहे, आपको खाली आइडिया देने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लीवर है, लीवर के साथ एसोसिएटेड रहता है एक ग्लैंड, ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं ये जो ग्लैंड है इसका नाम गॉल ब्लैडर, GALL gall bladder, ठीक। तो बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स ऐसा होता है दे हैव नो गॉल ब्लैडर, और वैसा बर्ड का एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पिजियन, ठीक है। तो ये जो पिजियन है, ठीक, इसको कबूतर बोला जाता है, हिंदी में कबूतर बोलते हैं, आप तो जानते ही होंगे। तो ये इसमें क्या रहता है, गॉल ब्लैडर कभी भी नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, रेस्पिरेशन बाय लंग एंड एयर सैक आर कनेक्टेड टू लंग फॉर सप्लीमेंटरी रेस्पिरेशन। देखिए इसका रेस्पिरेशन जो है, बर्ड का जो रेस्पिरेशन, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है लंग के थ्रू, और लंग के साथ कनेक्टेड रहता है कौन सा बताइए, यहाँ पर कनेक्टेड रहता है एयर सैक कनेक्टेड रहता है किसके साथ, लंग के साथ, किसके लिए, फॉर सप्लीमेंटरी रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंग के साथ एयर सैक क्यों कनेक्टेड रहता है, हमारे लंग के साथ कोई एयर सैक कनेक्टेड नहीं रहता, पर बर्ड्स का जो लंग है इसके साथ एयर सैक कनेक्टेड रहता है, ठीक है। पर आपको अगर पूछा गया कि क्यों कनेक्टेड रहता है तो आप क्या बोलेंगे, फॉर सप्लीमेंटरी रेस्पिरेशन। अब देखिए बर्ड्स क्या होता है, कोई भी बर्ड्स, यहाँ पर मैंने मानो कि ये एक बर्ड्स बनाया आपके लिए, ठीक, ये एक बर्ड्स बनाया, ये राइट, और ये बर्ड मानिए कि ये उड़ने वाला बर्ड है, ठीक। तो उड़ने के लिए इसको क्या चाहिए, ढेर सारा एनर्जी, ठीक है, और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन, सफिशियंट ऑक्सीजन इसको कब मिलेगा, दो लंग जो है वो सफिशियंट नहीं है, तो इसलिए लंग के साथ क्या ऐड कर दिया, एयर सैक ऐड कर दिया, तो एयर सैक एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन वो कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसको रेस्पिरेशन के लिए बड़ा मदद मिल जाता है। अब देखिए एयर सैक, जैसे कि पिजियन यहाँ पर बताया, पिजियन में कितना एयर सैक रहता है बताइए, 9 एयर सैक, ठीक। तो ये 9 एयर सैक यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि दो रहता है, दो एयर सैक रहता है, टू सर्वाइकल एयर सैक, ठीक, टोटल 9 में से दो सर्वाइकल एयर सैक रहता है, दो रहता है टू क्रेनियल थोरासिक, और दो रहता है कॉडल थोरासिक,
और दो रहता है एब्डोमिनल एयर सैक, टू एब्डोमिनल एयर सैक, और एक एयर सैक अनपेयर्ड रहता है जिसको बोलेंगे क्लेविकुलर एयर सैक, वन क्लाविकुलर एयर सैक। ठीक, तो ये नाइन एयर सैक क्या होता है बताइए, ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया क्या? और देखिए यहाँ पर एक और जबरदस्त एमसीक्यू आपको बता देना चाहूँगा कि हमारा ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स है उसको क्या बोलते बताइए। ह्यूमन का वॉइस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंग्स, बट वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड सेरिंग्स, SYRINX, वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड इज कॉल्ड सेरिंग्स, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल इज कॉल्ड व्हाट, लैरिंग्स, LARYNX, ये याद रखिएगा। दो क्वेश्चन, ये बर्ड का वॉइस बॉक्स है, ये क्या है, मैमल्स का वॉइस बॉक्स है, जिससे हम आवाज कर सकते हैं, पक्षी आवाज कर सकते हैं। किसके वजह से ये इतना खूबसूरत गाना किसके वजह से गा सकते हैं पक्षी, ये सरिंग्स के वजह से गा सकते हैं। ठीक है, और हार्ट इज वेरी वेरी वेल डेवलप्ड। ठीक है, दे हैव फोर चेंबर हार्ट, दे हैव फोर चेंबर हार्ट। ठीक, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चों, बर्ड्स हैव हाईली डेवलप मेटानेफ्रिक किडनी। किस तरह का किडनी, मेटानेफ्रिक, मैंने आपको बताया था ये जो मेटानेफ्रिक किडनी है ये क्या है, हाईली डेवलप किडनी है। ठीक, ये मानिए कि ये कौन है, ये किडनी है, बर्ड का किडनी है, और इसके ऊपर ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये मेटानेफ्रिक किडनी क्या करता है, हाईली डेवलप होता है, और मेसोनेफ्रिक किडनी क्या होता है, मीडियम डेवलप होता है, और प्रोनेफ्रिक किडनी क्या होता है, पूर्ली डेवलप होता है। तो बर्ड्स में किस तरह का किडनी रहेगा, मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक, और मेटानेफ्रिक किडनी क्या करेगा, ये आगे आके, मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ये आगे आके क्लोएका में ओपन होगा, CLOACA, क्लोएका में ओपन होगा, और चीपली एक्सक्रीट करेगा क्या, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या पूछा जाएगा आपको कि एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ वार्ड इज कॉल्ड व्हाट, इज मेनली यूरिक एसिड, एंड यूरिनरी ब्लैडर इज एबसेंट। क्या होता है, ये एक एरियल एडेप्टेशन, बच्चों ये याद रखिएगा कि जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, मैमल्स में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर बर्ड हैव, बर्ड्स हैव नो यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर क्यों, यूरिनरी ब्लैडर अगर रहेगा तो एक्स्ट्रा झंझट है। ठीक है, उसको उड़ने के लिए क्या करेगा, मतलब फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर इसमें एब्सेंट रहता है, एक्सेप्ट खाली एक बार्ड में यूरिनरी ब्लैडर पाए जाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि जो एक्सेप्शन रहता है वो क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक्सेप्ट कौन है, रेहा बोल के एक बर्ड है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मौजूद होता है, बाकी कोई बर्ड में यूरिनरी ब्लैडर मौजूद नहीं होता। एंड दे हैव बेटर डेवलप ब्रेन, एंड ब्रेन बी आर क्वाइटली लार्ज, लार्ज ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब। ठीक है, और आप जानते हैं ब्रेन क्या होता है, बेटर डेवलप, और बेटर डेवलप ब्रेन में क्वाइटली लार्ज क्या होता है, ऑप्टिक लोब होता है, एंड ऑप्टिक लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिमेंडस कीन विजन, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि बर्ड का विजन जो है, ठीक है, जबकि मैं एक मतलब दूसरा एनिमल का आई बनाया, ठीक है, तो आपको इसके साथ को रिलेट करना है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बहुत दूर में एक पेड़ है, और वो पेड़ में एक मतलब कोई कीड़ा ऊपर जा रहा है, चढ़ के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप दूर से वो कीड़ा को नहीं देख सकते, पर बर्ड्स क्या कर सकते हैं, इजीली वो कीड़ा को देख सकते हैं और उसको जाके प्रिडेट करेगा। ठीक है, तो किसके वजह से पॉसिबल हुआ कि उसके पास क्या रहता है, दूसरा एनिमल के कैसे रहता है, दूसरा एनिमल में ऑप्टिक लोब
जस्ट एज यूजल रहता है, पर बार्ड में ऑप्टिक लोब थोड़ा सा बड़ा रहता है एंड ऑप्टिक लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीन विजन, ठीक है। और दूसरा बात, दे हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल, मतलब ये बहुत अच्छे से देख सकता है पर इसका स्मेल करने का जो क्षमता है, पावर है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। दे हैव पुअर सेंस ऑफ स्मेल, बट एक्सेप्ट वन बार्ड, एक बार्ड का क्या होता है, मतलब स्मेलिंग पावर बड़ा तेज होता है, ठीक है। और आप जानते हैं ये एक्सेप्शन आपका काम का चीज है, उसका नाम क्या है, क्यूई। क्यूई क्यूई क्या होता है, एक फ्लाइटलेस बार्ड। ये भी याद रखिएगा कि ये एक एमसीक्यू में पूछता है, क्यूई एक फ्लाइटलेस बार्ड, ये उड़ नहीं सकता और इसमें क्या होता है, बहुत तेज स्मेल करने का क्षमता होता है, ठीक है। दूसरा, इसका जो ईआर है, ईआर इज डिवाइडेड इनटू ईआर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, ठीक। हाउ मेनी पार्ट बच्चों, थ्री पार्ट। एक होता है एक्सटर्नल ईआर, दूसरा होता है मिडिल ईआर, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट कर लेना। और एक होता है क्या, इंटरनल ईआर, ठीक। ये बात कोई भी तरह से भूलो मत बच्चों, ये एक एमसीक्यू, ठीक है। और ये एक, और यहाँ पर दो एमसीक्यू छुपा हुआ है, एक तो ये इसमें क्या रहता है, कीन सेंस ऑफ स्मेल क्यूई में, जबकि बार्ड में सेंस उतना, मतलब स्मेलिंग का सेंस उतना कीन नहीं रहता, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, बार्ड हैव बोनी एंडोस्केलेटन, दे हैव बोनी एंडोस्केलेटन, बोनी एंडोस्केलेटन एंड द बोन इज न्यूमेटिक, एंड बोन इज न्यूमेटिक, ठीक है। आपको यहां पर फोकस करना है कि बोनी एंडोस्केलेटन तो ठीक है, मतलब इसका जो बोन है, हड्डी है, ये क्या होता है, इसका जो अंदर का जो स्केलेटन, ये हड्डी से बना हुआ है, पर ये जो हड्डी है ये कैसा है, इसका नेचर ये होता है न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, दे हैव एयर कैविटी, दे क्या, दे हैव बोन हैव एयर कैविटी, एयर कैविटी। और ये रहने के वजह से क्या होगा, बोन, अगर बोन में एयर कैविटी नहीं होता तो बोन भारी हो जाता, ठीक है, तो उसको उड़ने के लिए फैसिलिटी नहीं मिलता। ये और एक एरियल एडेप्टेशन बार्ड का, कि ये लाइट वेट बोन होने के वजह से, लाइट वेट क्यों हुआ, क्योंकि बोन के अंदर जो क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, इसलिए उसका बार्ड का बोन को क्या बोला, न्यूमेटिक बोन, ठीक है। और यहां पर मैं ड्रॉ करके आपको दिखा दे रहा हूं, मानिए कि ये एक बोन है, ठीक है, जस्ट मानिए कि ये एक बोन है, और ये बोन के अंदर जगह जगह पे क्या है, ऐसा 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 क्या है बताइए, मतलब कैविटी है, और कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, तो ये मतलब लाइट वेट बोन बनाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। एंड बोन हैव नो बोन मैरो, बोन हैव नो बोन मैरो, ये याद रखिएगा। और दूसरा बात एक है, स्काल इज स्मूथ एंड देयर इज नो सुचर, स्काल इज स्मूथ एंड नो सुचर, ठीक। ये जो पॉइंट है ये मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार्ड्स का क्या बना रहा हूँ, हेड बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मानिए कि एक बार्ड्स का हेड है, ठीक, यहाँ पर उसका आई है और ये इसका बीक है। तो यहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्शन, ऐसा वाला कोई प्रोजेक्शन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होता है, स्मूथ बोन। अब इसके जगह आप अगर ह्यूमन स्कल को देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं रफली एक ह्यूमन स्कल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख के एक बार खाली ये पता करिए कि एक्चुअली क्या होता है, सूचर होता क्या है, ठीक है। ये नीचे का हड्डी मैं यहाँ पर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक, ये इस तरह से, ये ह्यूमन स्कल है, ठीक। पर ह्यूमन स्कल अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मानिए कि उसका आँख है,
तो यहाँ पर जगह जगह पे ऐसा 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 सा निशानी आपको दिख जाएगा, ऐसा इस तरह का, ठीक, जो आपको इंडिकेट करेगा कि जो स्काल है डिफरेंट बोन से बना हुआ है। और ये जो मतलब प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सूचर, सूचर बोलेंगे, ठीक। तो इस तरह का कोई सूचर बार्ड्स का जो स्काल है वहां पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक। तो ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है कोई भी तरीके से, राइट। नाउ मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्टर्नम ऑफ बार्ड हैव किल एंड दिस किल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल ऑफ बार्ड, ठीक है। अब एक एक करके आपको ये पॉइंट क्लियर करता हूँ, ठीक है। फ्लाइट मसल में एक जबरदस्त मसल होता है बार्ड के पास, जिसको बोलते हैं पेक्टोरालिस, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर बोल के एक मसल होता है, जो मसल किसके साथ, बार्ड का स्टर्नम में कील, कील बोल के एक स्ट्रक्चर होता है, वो कील के साथ एक पेक्टोरालिस मेजर मसल अटैच होता है। और ये मसल के वजह से क्या होता है, उसको मतलब उड़ने का मतलब पावर मिलता है। ये मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ बच्चों, तो ये सबसे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं एक बार्ड ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, राइट। ये देखिए ये एक बार्ड है, जस्ट मानिए। ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी मानने के लिए बोला तो आप मानिए, ठीक। देखिए ये एक बाढ़ है, हाँ एक बाढ़ जैसा लग रहा है, ठीक ठीक ठाक लग रहा है, और ये उड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जगह पे बाढ़ का छाती पे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक, बोनी स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक। और स्टर्नम में ये जो रिज है इसको बोलते किल, KEEL, ठीक। तो एक्चुअली इसको क्या बोला गया, स्टर्नम ऑफ किल, ठीक। तो ये जगह पे क्या रहता है, दो बड़ा बड़ा फ्लाइट मसल यहाँ पर क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक। ये जगह पे दो फ्लाइट मसल अटैच रहता है, और ये जो फ्लाइट मसल है इसका नाम क्या है, पेक्टोरलिस मेजर फॉर फ्लाइट। एंड बार्ड हैव, फीमेल बार्ड हैव सिंगल लेफ्ट ओवरी, ये भी एक जबरदस्त एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फीमेल बर्ड है, फीमेल बर्ड हैव सिंगल लेफ्ट ओवरी, ठीक। क्या मतलब है इसका, सिंगल लेफ्ट ओवरी मतलब जैसे कि ओवरी जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पर ह्यूमन का बना रहा हूँ, आप इसके साथ को रिलेट करके लेना, ठीक है। जैसे कि मानिए कि ये क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, दो ओवरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओवरी, OVARY, ये होता है फेलोपियन ट्यूब, ये होता है यूटेरस, ये होता है विजाइना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि बार्ड में क्या होता है, दो ओवरी होना चाहिए था, पर बार्ड में क्या है, एरियल एडेप्टेशन के वजह से क्या हुआ, इसका बॉडी हल्का बनाना है, तो इसमें क्या है, खाली एक ओवरी मौजूद है, और वो ओवरी का नाम क्या है, लेफ्ट ओवरी, ठीक है। तो मानिए कि ये राइट ओवरी, ये जो है ये राइट ओवरी, राइट ओवरी, और ये क्या है, लेफ्ट ओवरी, ठीक है। ओनली लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट, देयर इज नो राइट ओवरी इन बर्ड, एंड इट इज ए फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड, एंड ऑल बर्ड आर ओवीपिरस, ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड, ऑल बर्ड्स आर ओवीपिरस, ओवीपिरस, ठीक है। मतलब ये सारा बर्ड क्या करेगा, अंडा देने वाला बर्ड होगा। एंड दे आर एमनियोट्स, बर्ड्स आर, दे आर एमनियोट्स, एम नी ओ टी ई एस, एमनियोट्स, दैट्स मीन दे हैव
एमनियोटिक मेम्ब्रेन। आप ये पूछोगे कि सर एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, जबकि मैं ये आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, फिर भी अभी एक बार बता दे रहा हूँ, कोई नया स्टूडेंट है तो उसके बारे में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बर्ड्स को क्या बोला जाएगा, एमनियोट्स बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, बिकॉज बर्ड्स हैव एमनियोटिक मेम्ब्रेन, बर्ड्स हैव कोरियोनिक मेम्ब्रेन, बर्ड्स हैव एलांटोइक मेम्ब्रेन एंड बर्ड्स हैव योक सैक। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बर्ड्स हैव कोरियन, CHORION, कोरियन, उसके बाद एलांटोइस, उसके बाद होता है योक सैक, योक सैक, ठीक। और एक होता है जिसका नाम क्या होता है, एमनियन, एमनियन, ठीक। तो ये जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेम्ब्रेन, कौन सा मेम्ब्रेन, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाना नहीं चाहूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा मतलब एकदम सिंप्लीफाइड वे में एक डायग्राम बना ही देता हूँ। ये जो बाहर का मेम्ब्रेन, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, कोरियन, क्या बोलेंगे बच्चों, इस मेम्ब्रेन को कोरियन बोलेंगे। और इसके चारों साइड में क्या रहेगा, सेल रहेगा बच्चों, ये सेलुलर लेयर है, राइट। मैं जस्ट राफली आपको बना दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। और इसके नीचे, इसके बीच में क्या रहता है, यहाँ पर मानिए कि ये एम्ब्रायो है, ठीक है, ये एम्ब्रायो, बच्चा, बेबी, यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है, जस्ट ग्रो हो रहा है, ठीक, ये ग्रो हो रहा है बेबी, एम्ब्रायो है। अब देखिए एम्ब्रायो से क्या होता है, यहाँ से एक और मेम्ब्रेन चारों तरफ क्या होता है, घेर लेता है, इसको घेर लेता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है जो चारों तरफ घेर लिया, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एमनियन, क्या बोला जाएगा बच्चों, एमनियन, ठीक है। और एमनियन से यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलते हैं योक सैक, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे योक सैक, ठीक। और योक सैक से आप ये भी जानते हैं कि एम्ब्रायनिक कंडीशन में क्या तैयार होता है, ब्लैड तैयार होता है, क्या तैयार होता है बच्चों, एम्ब्रायनिक कंडीशन में योक सैक से ब्लड तैयार होता है। और साथ ही साथ यहाँ से और एक मेम्ब्रेन अराइज होता है, ये जगह से एक और मेम्ब्रेन अराइज होता है जिसका नाम क्या है, एलांटोइस, यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ, इसका नाम क्या है, एलांटोइस, ठीक। तो एम्ब्रायनिक कंडीशन में ये सारा मेम्ब्रेन रहता है, इसलिए बर्ड को क्या बोला गया, एमनियोट्स, ठीक है। और ये जो कैविटी है, ये जो कैविटी है, इसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी, एंड दिस कैविटी इज फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, यहाँ पर फ्लूइड रहेगा, राइट। तो इसलिए बर्ड को क्या बोला गया, एमनियोट्स, राइट। आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, माय डियर स्टूडेंट। नाउ आई वांट टू डिस्कस अबाउट फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड, ठीक है, उड़ने के लिए बर्ड्स में क्या क्या एडेप्टेशन हुआ उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कैरेक्टर क्या है, दे हैव स्पिंडल शेपेड बॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिंडल शेपेड बॉडी। अब देखिए बच्चों, बर्ड्स का जो बॉडी होता है वो लगभग इस तरह का होता है, देखिएगा आप अगर नज़र डालेंगे तो इस तरह का, इस शेप का होता है। तो ऐसा शेप क्या करता है बताइए, इस तरह का ये जो शेप होता है, ये यार को कट के, यार को कट के आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, बड़ा मतलब सुइटेबल होता है, ठीक है, बड़ा ही सुइटेबल होता है इस तरह का जो बॉडी है। तो इस तरह का बॉडी को क्या बोलेंगे, स्पिंडल शेपेड बॉडी। एंड दे हैव ए पेयर्स ऑफ विंग, ठीक, यहाँ पर देख रहा है ये क्या है, ये विंग है, ठीक। और ये विंग क्या करता है, उसको फैसिलिटी देता है उड़ने के लिए, हेल्प करता है, यही तो मतलब सबसे मतलब खासियत है बर्ड का। दूसरा बात, देयर बॉडी ऑफ देम आर कवर्ड बाय फेदर, पूरा बॉडी फेदर से कवर्ड रहेगा। एंड दिस फेदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शनल फोर्स एंड हीट लॉस। बॉडी से विंटर सीजन में हीट बाहर ना चला जाए, इसलिए फेदर इसको क्या करता है, हीट लॉस को बचाता है, हीट लॉस से बचाता है। दूसरा क्या होता है, एयर काट के, एयर का जो ड्रैग है उसको कट के आगे जाने के लिए क्या करता है, फ्रिक्शन जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर देता है, ये याद रखिएगा। एंड हेड बियर बीक, हेड क्या करता है, चोंच बियर करता है, ये बीक बियर करता है। एंड बीक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंस, ऑफेंस, नेस्टिंग, फीडिंग एट्सेट्रा। बात समझ में आ गया। दूसरा बात, दे हैव फ्लेक्सिबल नेक एंड हेड,
इसको क्या रहता है, फ्लेक्सिबल नेक एंड हेड। अब देखिए यहाँ पर मैं उसका एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि इसका फ्लेक्सिबल नेक एंड हेड रहने का कारण क्या है, क्यों ऐसा रहता है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखिए, नज़र डालिए, ये मैं यहाँ पर एक बार्ड बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक, बन भी गया। यहाँ पर ये इसका पैर है, ठीक, जस्ट इमेजिन नहीं है तो आपको आपके सामने ये तो दिख ही रहा है। तो ये जो वर्ड है इसको आपने काफ़ी बार देखा होगा या नहीं देखा होगा तो अभी देख लो। ये क्या है, आउल है, ठीक, ये आउल है, वो बोलते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना। तो आप जानते होंगे ये जो इंटरेस्टिंग बात है, इसका जो आई है, E-Y-E-I, ये आई जो इसका आपका कौन सा आउल का जो आई है, ये हिला नहीं सकता, इधर उधर घुमा नहीं सकता। तो ये जो आउल है ये क्या करता है, इसका गर्दन को, फ्लेक्सिबल गर्दन को इधर उधर घुमा के क्या करता है, इसका प्रीडेटर या प्रे को क्या करता है, नज़र डालता है। समझ में आ गया। तो बार्ड्स उसका देखना, वो नेक को इधर उधर, चोंच को इधर उधर ले सकते हैं। ये किसके वजह से पॉसिबल हुआ, दे हैव फ्लेक्सिबल नेक एंड हेड, ये बात याद रखिएगा। एंड दे हैव बोन, एंड बोन इज न्यूमेटिक, न्यूमेटिक थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसके अंदर क्या है, एयर स्पेस है, एयर स्पेस रहता है, ठीक, जिसके वजह से बोन हल्का हो जाता है, बर्ड्स को उड़ने के लिए फैसिलिटी मिलता है। एंड लंग इज कनेक्टेड विथ एयर सैक, एयर सैक भी क्या करता है, बॉडी को हल्का ही बनाता है और रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है बताइए, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा बात, इसका बॉडी में थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करा, दे हैव नो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर अगर होता तो उसमें यूरिन जमा रहता, उसमें वेट होता, वो उसको उड़ने के लिए फैसिलिटी नहीं मिलता, तो इसमें यूरिनरी ब्लैडर है ही नहीं। और एक्सेप्शन में कौन सा वर्ड बताया था वो आप याद रखना, ठीक है। दूसरा बात यहाँ पर क्या है, जनरली क्या होता है, एनिमल में दो ओवरी होता है, पर बर्ड्स में क्या है, खाली एक ही ओवरी, सिंगल लेफ्ट ओवरी, ये याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हो गया क्या है बताइए, फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स। बच्चों अब हम लास्ट पार्ट में आ गए लेक्चर का, तो अब डिस्कस करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए तो बर्ड्स हैव टू सब क्लास, फर्स्ट वन इज आर्ची ऑर्निथिस, प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखिएगा बच्चों, आर्ची ऑर्निथिस, एंड सेकेंड वन इज न्योर्निथिस, ठीक है। तो ये जो आर्ची ऑर्निथिस है, इसका एक भी कॉपी आज का डेट में जिंदा नहीं है, सारा लोग क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, दुनिया में कोई भी नहीं। और ये बर्ड क्या हुआ था, इसके पास ये मनी की उसका हेड है, और ये इसका क्या है, बीक है, ठीक, जस्ट मनी, और इसका बीक में क्या था, ये इसका हेड है, राइट, बीक में इसका क्या था बताइए, टीथ, क्या था बच्चों, इसका बीक में टीथ हुआ करता था, ठीक, जो रेप्टिलियन कैरेक्टर है, रेप्टाइल्स में हुआ करता है, ठीक है, पर वो इसलिए एक्सटिंक्ट हो गया। दूसरा बात, दे हैव लॉन्ग लिजर्ड लाइक टेल, बाढ़ में टेल होता है पर लिजर्ड जैसा, गिरगिट जैसा, चिपकली जैसा नहीं होता, पर ये जो बर्ड है एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसमें लिजर्ड लाइक टेल हुआ करता है। इसलिए मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि बर्ड्स को बोला जाता है ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, क्या बोला जाता है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक, क्योंकि रेप्टाइल से ही क्या हुआ, बर्ड्स का ओरिजिन हुआ। और इसका एक एग्जांपल आप याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आर्कियोप्टेरिक्स, कौन सा बताइए, आर्कियोप्टेरिक्स। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे किसका, न्योर्निथिस का, न्योर्निथिस में कौन है, ये एल्सेडो, एल्सेडो को कॉमनली क्या बोलते हैं, किंग फिशर, ठीक। उसके बाद एनास को कॉमनली क्या बोलते हैं, डक, DUCK, डक, और ये सारा साइंटिफिक नेम है, इसके नीचे अंडरलाइन होगा। उसके बाद सीटाकुला क्या है, पैरोट, ठीक। दूसरा बात टायो, उसके बाद पेंगुइन, उसके बाद बुबो क्या है, आउल, ईगल, ठीक है। उसके बाद बल्चर, काइट, चील, ठीक है, काइट को ही चील बोलते, पाभो,
उसके बाद द स्पैरो वगैरह वगैरह, ये सारा किसके एग्जांपल, न्यूयॉर्क नीतीश का। ओवरऑल आपको ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर करना कि एक बर्ड है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, दुनिया में नहीं है, वो आर्ची कौन सा आर्ची और नीतीश जो सब क्लास है उसमें आता है, और उसका नाम क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स, राइट। अब देखिए दूसरा बात, यहाँ पर कुछ और बात बताना चाहेंगे। डार्विन फिंचेस बोल के एक बर्ड है, क्या नाम है उसका, डार्विन, डार्विन डब्ल्यू आई एन डार्विन एपोस्ट्रोफीस डार्विन्स फिंचेस एफ आई एन सी एच ई एस डार्विन फिंचेस बोल के एक बर्ड रहता है, ठीक है। जो कौन डिस्कवर किया था, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और ये करीबन ए बर्ड का 20 वेराइटी डार्विन को दिखने को मिला था, और कौन सा जगह पे मिला था, ये मिला था गैलापागोस आइलैंड में। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, जबकि ये मैं आपको 12 में पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन में, राइट। और क्लियरली ये बर्ड्स डार्विन फिंचेस कहाँ पर दिखने को मिला था, ये मिला था गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस जी ओ यू एस जी ओ एस गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड में डार्विन को ये जो डार्विन फिंचेस ये बर्ड को दिखने को मिला था। और इसका कितना वैरायटी है, 20 वैरायटी है। पर उस समय क्या था, इतना मतलब जेट प्लेन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो डार्विन ये गैलापागोस आइलैंड में कैसे गया था, एक शिप के थ्रू गया था, और वो जो शिप है, उनका जो शिप है उसका नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम एच एम एस विगल। डार्विन का जो शिप है वो शिप का नाम क्या है, एच एम एस बिगल। ये बात बच्चों बड़ा फुर्ती से याद रखना, राइट। एंडिंग में और कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड है, जिसको बोला जाता है फ्लाइटलेस बर्ड, जो उड़ नहीं सकता, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, उसका कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ, ये याद रखना बच्चों। एक तो नंबर वन आप जानते हैं इसको, ऑस्ट्रिच, ऑस्टियर आई सी एच, और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल बोला जाता है इसको, ठीक। ऑस्ट्रिच हो गया, दूसरा एक हो गया रेहा, रेहा, ठीक। तीसरा हो गया एमू, ये बर्ड का आपने नाम सुना होगा बच्चों, एमू। उसके बाद और एक हो गया क्यूई, के आई डब्ल्यू आई क्यूई, और नेक्स्ट हो गया पेंगुइन, पेंगुइन हो गया, ठीक है। ये बर्ड आपने सुना होगा इसका नाम, ठीक। दूसरा और कुछ बात बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पर कैसुआरी, सी ए एस एस ओ कैसो डब्ल्यू ए आर वाई कैसुआरी, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है। उसके बाद हो गया और एक बताना चाहूँगा, इसके बाद आइलैंड रेल, आई एल आई इजलैंड आई एल एन डी आईलैंड आर ए आई एल रेल, ठीक। और एक बताना चाहूँगा जिसका नाम डोडो, डी ओ डी ओ डोडो, ऐसा ही नाम रहता है बच्चों। पर डोडो क्या होगा, डोडो एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्स टी आई टी आई एन सी टी एक्सटिंक्ट हो चुका है, दुनिया में इसका अस्तित्व तो अभी नहीं है। और एक बर्ड है जिसका नाम मुआ, एम ओ ए मुआ, ये भी बर्ड क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। और ये जो लिस्ट आपको बताया, दे ऑल ऑफ देम आर फ्लाइटलेस बर्ड, ये कभी भी उड़ नहीं सकता, आप ये याद रखना बच्चों। अब देखिए कुछ दो चार पॉइंट और यहाँ पर आपको डिस्कस कर देता हूँ, जैसे कि स्टडी ऑफ बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक, ये याद रखना, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और इंडिया का जो बर्ड का सॉरी जो बर्ड का स्टडी करता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक। तो इंडिया का एक फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है जिसका नाम क्या है बताइए, सलीम अली, क्या नाम है बच्चों, सलीम अली, राइट, ये नाम याद रखिएगा। दूसरा देखो, स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऊलॉजी, ऊ लॉजी एलो जी वाई ऊ एलो जी वाई, राइट। क्या बताया मैंने, स्टडी ऑफ एग ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऊलॉजी। दूसरा बात,
स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड, बर्ड का नेस्ट का अगर स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे नीडोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों? एन आई डी ओ, नीडो येलो जी वाई, स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड इज कॉल्ड नीडोलॉजी। अब देखिए और एमसीक्यू में ये पूछ सकता है आपको, देखिए लार्ज फेदर ऑफ विंग, विंग में क्या रहता है? बड़ा बड़ा फेदर रहता है, देखना इस तरह का, इस तरह का आपने अगर देखा होगा तो ये तो ठीक है, इस तरह सा क्या रहता है विंग में फेदर रहता है, तो ये जो लार्ज विंग फेदर है ऐसा बहुत सारा फेदर रहता है ठीक, इसको बोलते रेमिजेस। क्या बोलते बच्चों? लार्ज लार्ज फेदर, फेदर ऑफ विंग इज कॉल्ड रेमिजेस, रेमिजेस। एंड लार्ज फेदर ऑफ टेल, लार्ज फेदर ऑफ टेल इज कॉल्ड रेट्रिसेस, रेक्ट्रिसेस, राइट। ये दो बात भी इसके साथ साथ याद रखना ठीक बच्चों। तो बच्चों आई थिंक यू एंजॉय द वीडियो ए लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बच्चों।